किडनी पेशेंट को कौन कौन से फूड नहीं लेने चाहिए, और किडनी काम नहीं कर रही हो तो फीडल एडेमा हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, और हार्ट डिजीज को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड्स टू बी अवॉइडेड इन रिनल फेलियर। जी हाँ, किडनी पेशेंट को कौन कौन से फूड नहीं लेने चाहिए, आज बात करेंगे इन सभी फूड्स के बारे में जो किडनी पेशेंट को अवॉइड करने हैं। मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ, और इन सभी में सबसे पहला फूड है जो किडनी पेशेंट को अवॉइड करना है, वो किसी भी प्रकार का पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड किसी भी प्रकार का पैकेजिंग में आ रहा है, उसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। पैकेज फूड्स में हर प्रकार का कोई भी चीज़ पैकेज में आ रही है, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, बीन्स भी हो सकते हैं, मीट भी हो सकते हैं, नट्स भी हो सकते हैं, सोडा भी हो सकता है, इस प्रकार कोई भी चीज़ जो प्रोसेस्ड है, जो पैकेज्ड है, वो किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सेकेंड फूड जो अवॉइड करना है, दैट इज पोटेशियम रिच फूड। ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेशियम एरिथीमिया कॉज करता है। पोटेशियम रिच फूड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोटैटोस, बनाना, एप्रिकॉट्स, बीन्स, टमाटोज, ऑरेंज जूस। इस प्रकार पोटेशियम क्योंकि ब्लड में बढ़ना नहीं चाहिए और किडनी काम नहीं कर रही होती तो पोटेशियम ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वो बढ़े ना, इसलिए हमें पोटेशियम फूड को भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरा जो हमें अवॉइड करना है वो है सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड। एक्सेस सॉल्ट जो होता है वो फ्लूइड को एक्यूमुलेट करता है। नमक अगर बॉडी में, शरीर में ज़्यादा होता है तो फ्लूइड को इकट्ठा करता है, जिससे एडिमा का कारण बनता है, सूजन आती है। बहुत सी बार देखा है किडनी पेशेंट्स के पैर फूल जाते हैं, पीडल एडिमा हो जाता है, किसी के आँखों के नीचे पफिनेस आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, तो वो कम भरे उसके लिए सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड को कम इंटेक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चौथा जो किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करना है वो है सप्लीमेंट्स, जो प्रोटीन और विटामिन का कॉम्बिनेशन बहुत सी बार होते हैं। कुछ ऑयल बेस्ड विटामिन भी होते हैं जो CKD की कंडीशंस को बहुत ज़्यादा वर्सन कर सकते हैं। पांचवी चीज़ जो अवॉइड करनी है वो ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का सीधा सीधा अर्थ है बैड फैट। बैड फैट जो होता है वो क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स और हार्ट डिजीज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। बैड फैट यानी कि ट्रांस फैट से जितना हो सके बचना है। ट्रांस फैट के कुछ एग्जांपल्स, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि ट्रांस फैट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रोजन पिज़्ज़ा, फ्रोजन फूड, पिज़्ज़ा, केक्स, कुकीज़, फ्राइड फूड, इस प्रकार से सभी जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनमें भी ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, प्लस जो फास्ट फूड है वहाँ पे भी ट्रांस फैट जो होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ट्रांस फैट किसी भी प्रकार में किडनी पेशेंट को अवॉइड करना है। छठा चीज, सिक्स जो किडनी पेशेंट को अवॉइड करना है वो है अल्कोहल लिमिट। कंज्यूमिंग अल्कोहल हैज़ अ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑन द किडनी। अल्कोहल का कंजम्पशन एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ता है तो शरीर में बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जिसमें अंदर लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सभी मेजर ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट होता है। एफिशिएंटली किडनी की जो कैपेसिटी होती है फिल्टर करने की, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है अल्कोहल के इंटेक से, और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डायरेक्टली हैम्पर होने लग जाता है जब अल्कोहल का सेवन किया जाता है, किडनी पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो अल्कोहल को अवॉइड करना है किडनी पेशेंट्स ने। कुछ फूड्स के एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ जो अवॉइड करने हैं किडनी पेशेंट्स को करने हैं। मीट एंड प्रोसेस्ड फूड्स, सॉल्टी फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, किसी भी प्रकार की फिजी ड्रिंक्स, NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, बनानाज अवॉइड करने हैं, सिट्रस फ्रूट अवॉइड करने हैं, सिट्रस फूड्स, पिकल्स, स्वीट पोटैटो, टमाटो, सॉसेजेस, फ्राइड फूड। तो ये सारे चीज़ें किडनी पेशेंट को अवॉइड करनी है, और इस चीज़ का ध्यान रखें ये सारी चीज़ें जो हैं ये किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, तो जितना हो सके इन सभी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। नमस्कार।